आपने डिसीजन लिया एक काम करने का, आपने कहा मैं पढ़ाई के साथ साथ में ये काम करना ट्राई करूंगी, तो आपने कहा आजकल ये यूट्यूब पे लोग उठा उठा करके वीडियोस डाल रहे हैं तरह तरह की, है ना, तो मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी और मैं उठा करके यूट्यूब पे डालूंगी और हो सकता है कुछ हो जाए बेस्ड अपॉन माई टैलेंट। और वो टैलेंट हर एक का अलग अलग हो सकता है, किसी का टैलेंट हो सकता है कि उसको ब्यूटी का बड़ा शौक हो, है ना, वो सुबह से रात तक जब से पैदा हुई है तब से वो ब्यूटी पार्लर में पड़ी रहती है, तो अब वो अपने ब्यूटी टिप्स शेयर कर रही है लोगों के साथ में। सर सबसे पहले तो पेरेंट्स ही बोल देते हैं लड़की है मत कर, मैं दो महीने से कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हूँ यूट्यूब वगैरह के बारे में, तो सबसे पहले मम्मी का ही होता है लड़की है गलत कोई हो गया कोई फोटोशॉप कर देगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फेस मत दिखा, बुरखा पहन के करो। आइडिया बुरा नहीं है, बल्कि देखो सीरियसली मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके घर वाले शक्ल नहीं दिखाना, यहाँ पे दिखाएं आपकी एडिट कर दे दिखा दे यहाँ दिखा सकते हैं देख लो, नहीं तो आप कहोगे तो एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो लड़की है जो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाद में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस पे करोड़ों व्यूज होंगे लेकिन सिर्फ इसी वीडियो में इनकी शक्ल आपको दिखेगी। यूट्यूब इज समथिंग जहाँ पे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल है, अगर उसके ऊपर मैं आज एड जो होती है वो एक्टिवेट कर दूं, किसी को आइडिया है मैं कितना कमा सकता हूँ? बहुत मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय बहुत? साल का 40-50 लाख रुपए, वो अलग बात है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग परफेक्टली तो सक्सेस अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि मुझे रातों रात वो बन जाना है, ये भी लोगों की प्रॉब्लम है कि मैंने अभी ये काम शुरू किया है, मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालनी शुरू करी है लेकिन इस पे तो कोई व्यूज ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, डालना ही बंद कर देंगे, दो तीन वीडियोस डाली डालनी बंद। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ा सिंपल सा, कि आपके अंदर से आया कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं लोगों को मान लो हंसा सकता हूँ, आ रहा है आपके अंदर से आ रहा है, मेरा नेचुरल टैलेंट है। ये जो बंदे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, मान लो इंटरनेशनली कोई डाल रहे हैं, सुपर वुमेन करके एक है, जानते हो गए आप लोग? हाँ, तो वो अपनी वीडियोस डालती है, तो आपने उसको देखा, आपने कहा यार ये जो कर रही है ना मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, या मैं कर सकता हूँ, बेटर भी छोड़ो मैं भी ये कर सकता हूँ, आपने डालना शुरू किया। द मोमेंट यू डू दैट, अब आपने ऑनेस्टली अपने आप से बोला कि मेरा काम आज किस लेवल पे है, तो अब आपको समझ आएगा कि मेरा काम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, मतलब काम में दम नहीं है इसलिए व्यूज नहीं है। अब आपने रिकॉर्डिंग को छोड़ा नहीं क्योंकि इसमें आपको कुछ जा नहीं रहा है, फ्री में काम हो रहा है ना, अपने घर में मोबाइल से रिकॉर्ड किया, बनाया, डाला, एक डाला, दो डाला, 10 डाला 20 डाला, इसमें जा क्या रहा है आपका? लोग यहां पर भी रुक जाते हैं जाकर के, मैंने एक वीडियो डाली कुछ हुआ नहीं, व्हाट यू मीन बाय दैट? एक दिन में कुछ होता है क्या? जब मैंने सेशंस अपने करने शुरू करे थे, लोग रजिस्टर करते थे, उसमें आधे से ज्यादा लोग आते ही नहीं थे, आधे से ज्यादा चेयर्स खाली पड़ी रहती थी, समझ रहे हो? तो क्या मैंने सेशन करने बंद कर दिए? और आज ये है कि अगर मैं एक कहीं पे पोस्ट डाल दूं तो लाखों लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने किया तो मैं करता रहा, उसको छोड़ा नहीं। Never give up attitude. Never give up, और वो never give up कैसे आता है? इसको ध्यान से समझो ना, समझना होता है कि अब मुझे क्या करना है। नंबर वन मेरे अंदर से आया कि मेरे को ऐसी वीडियोस उठा करके डालनी है, कॉमेडी वीडियोस डालनी है, आपने डाली, अब आपने अपनी वीडियोस को ध्यान से देखा, ये काम का ही पार्ट है, काम का पार्ट सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो उठा के डाल दी और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से व्यूज आ जाएंगे, नहीं, अब आपने देखा कि अच्छा वो क्या कर रहा है जो सक्सेसफुल है इस फील्ड में, और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, तो आपको अपनी गलतियां पकड़ में आ गई, आपने उसको इंप्रूव किया, फिर डाला, फिर व्यूज नहीं आए, फिर डाला, फिर व्यूज नहीं आए, एक ऐसा लेवल आ गया कुछ महीने बाद जा करके, क्योंकि अब आप ये करते चले जा रहे हो। कोई भी स्किल एकदम से डेवलप नहीं होती है, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, आपको स्केटिंग सीखनी है एकदम से सीख जाओगे क्या? इट टेक्स टाइम, इट नीड्स प्रैक्टिस। तो फिर क्या हुआ, आपने डाला 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 डालते रहे, कुछ महीनों तक डालते रहे, अब आपको समझ आ रहा है, अब आप अपने आप से ईमानदारी से देख करके बोल रहे हो कि अब मेरे कॉन्टेंट में दम है, मतलब अभी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ 6 महीने पहले डाला था उसमें दम नहीं था लेकिन आज दम है, लेकिन तब भी व्यूज नहीं है, तो आपने कहा अब मेरे प्रोडक्ट में तो दम है लेकिन बिक नहीं रहा है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। अब मैं किस तरह से, क्योंकि कंटेंट में दम है, मतलब कम लोग आ रहे हैं देखने के लिए वीडियोस, लेकिन जो आ रहे हैं वहां से कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स अच्छे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इसमें कोई कमी नहीं है मेरे काम में, लेकिन नोबडी इज वॉचिंग दैट, समझ गए ना, कमी लोग देख रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, अब मार्केटिंग कैसे करूं? अब आप सीख रहे हो उन लोगों से जिन्होंने अपनी मार्केटिंग करी,
जो लोग सक्सेसफुल हुए आप ये देख रहे हो, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से शुरू किया ही था ना, उनके भी तो वीडियोस पे कभी ना कभी 100, 200, 500 व्यूज थे, उनके कैसे बढ़े? तो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो आपको समझना होगा। सब कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह, बहुत चीजें होती हैं, सब्जेक्ट लाइन है, कीवर्ड्स है, टैगिंग है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसके अलावा कोलैबोरेशंस होती है कि वो गए जा करके और लोगों से मिल रहे हैं, जो और यूट्यूबर्स है जो सक्सेसफुल है, हो सकता है उनके अंदर कॉन्टेंट में तो दम है लेकिन कोई उनको जानता नहीं है, तो अब उन्होंने जाकर के टाई अप किया किसी ऐसे से जो यूट्यूब में ऑलरेडी सक्सेसफुल है और उसको बोला यार मेरे को छोटे मोटा रोल दे दे अपने यहाँ पे, कहीं पर भी फ्री में काम करूंगा तेरे साथ में। तो उसके चैनल पे आते ही क्या हुआ, लोग इसको जान गए, लोगों ने इसका काम देख लिया और काम देख करके उसको आपने क्या कहा कि बस मेरे चैनल का लिंक दे दियो वहां पे। वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो फ्री में एक आर्टिस्ट मिल रहा है ना, समझ गए? उसका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया, अब आपके पास लोग आ गए, अब आप दिमाग लगा रहे हो अब मैं और कैसे बढ़ाऊं। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब क्या हो रहा है? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो सक्सेस अपने आप आ रही है आपकी तरफ, आप अपने आप ही आगे बढ़ रहे हो, आपका फोकस कहां पर है, काम पे है। बट काम का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया या अपने आप को काम में अच्छा कर दिया वो सिर्फ काम है। अरे नहीं, मार्केटिंग भी काम का एक पार्ट है, पैकेजिंग भी काम का एक पार्ट है। आपने प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बनाया है लेकिन उसकी पैकेजिंग गंदी सी है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, प्रोडक्ट अंदर बड़ा अच्छा है बट पैकेजिंग ऐसी है देख करके घिन आ जाए आदमी को, कौन खरीदेगा? कोई नहीं लेगा। पैकेजिंग भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके कुछ इन्वेंशन आपने करी है और बनाए जा रहे हो, प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो और कह रहे हो कोई खरीद क्यों नहीं रहा है। अरे किसी को पता ही नहीं है, पता होगा तभी तो पॉसिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, खरीद भी लेंगे अगर मार्केटिंग तगड़ी होगी तो, लेकिन दोबारा कब खरीदेंगे, जब प्रोडक्ट में दम होगा। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोडक्ट में दम होगा। प्रोडक्ट क्या है, आप खुद एक प्रोडक्ट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, आप एक प्रोडक्ट नहीं तो और क्या हो अल्टीमेटली? अगर आपको कोई जॉब दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, किस चीज के दे रहा है? जो आपकी स्किल है उसके दे रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके दे रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके दे रहा है, आप जो उस कंपनी के लिए कर सकते हो उसके दे रहा है। तो ये क्या है, आप एक मशीन के जैसे नहीं हो क्या? इसको समझना होता है। आप उस कंपनी के लिए, इट मे लुक ऑड टू यू, सुनने में अजीब लगेगा, बट आप एक मशीन के जैसे हो। कोई मशीन ज्यादा काम की है, कोई कम काम की है, कोई छोटी मशीन है, कोई बड़ी मशीन है, और एक बड़ी मशीनरी है जिसको कंपनी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मशीन फिट हो जाती है। तो आपके ऊपर है, आप उस पूरी मशीनरी में क्या रोल प्ले कर रहे हो। आप उसका एक ऐसा पुर्जा भी हो सकते हो बिकॉज आपने अपनी स्किल पे बहुत ज्यादा काम किया है, कि अगर आप उस कंपनी में नहीं हो तो पूरी की पूरी मशीनरी ठप हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है उस कंपनी के लिए। आप एक ऐसा पुर्जा भी हो सकते हो कि आपके जैसे पुर्जे बाहर लाइन लगा करके लाखों खड़े हैं, एक पुर्जे को निकालो दूसरे को फिट करो, तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे। आप समझ आ रहा है मैं क्यों कहता हूं अपने काम को बेटर बनाओ? हाँ, अब काम को बेटर कैसे बनाते हैं? अरे जिस काम में आपको इंटरेस्ट होगा उसी में तो बेटर बनाओगे। डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें? अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट होता है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। क्या आप मूवीज देखने से डिस्ट्रैक्ट होते हो? कोई अच्छी मूवी देख रहे हो वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो? कोई बेकार मूवी देख रहे हो पिटी हुई, वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो गया नहीं हो गया? बार बार आपका ध्यान मूवी में से हटेगा, यार ये क्या पका रहे हैं, और बार बार अपने मोबाइल को भी देखोगे, बाहर भी जाओगे, शायद बीच में से भी उठ के आ जाओगे, क्या हो रहा है? एक काम में आपका इंटरेस्ट है, एक में नहीं है, तो काम ही ऐसा करो ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है।